नमस्कार श्रोताओं, इसमें आप सुन रहे हैं स्पाइस रेडियो और रेडियो रंजम अपनी होस्ट नूतन ठाकुर के साथ गपशप का ये प्रोग्राम है। और आज गपशप में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संदीप जस्सल। जी हाँ दोस्तों, वी हैव विथ अस डॉक्टर संदीप जस्सल फ्रॉम लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक। ये सर्टिफाइड नेचुरल हेल्थ एंड आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं और तकरीबन 26 वर्षों का तजुर्बा है इन्हें। ये वेट लॉस कोच भी हैं और पता नहीं क्या कुछ हैं, और मैंने सुना है ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, गाते भी हैं। तो गाने वाने की बात तो फिर हम कभी करेंगे ज़रूर, लेकिन फिलहाल डॉक्टर संदीप जस्सल का हम स्वागत करते हैं जो इस समय हमारे साथ हैं। संदीप जस्सल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, स्पाइस रेडियो और रेडियो रिमझिम के गपशप के इस प्रोग्राम में। नमस्कार नूतन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल होने का मौका देने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया जनाब, क्योंकि इतनी मसरूफियत के बावजूद आप वक्त निकालते हैं, हमें वाकई बहुत खुशी होती है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी डॉक्टर संदीप जस्सल कि लास्ट टाइम पिछली बार फैटी लिवर के बारे में आपने बताया था, और चूंकि आप वेट लॉस कोच भी हैं और रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, प्रोविंस ने कहा है कि अब मिलना जुलना आसान है, आप मिल सकते हैं और बाहर पार्टी वार्टी कर सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इसके बावजूद मिलना अब संभव है, पिकनिक विकनिक की शुरुआत हो गई है और बैंक्वेट हॉल्स में पार्टियां भी शुरू हो गई हैं, तो जाहिर है खाने पीने की बात तो होगी ही। इतने महीनों से, तकरीबन साल भर से ऊपर ही हो चुका है, लोग घर में कैद हैं, और अब जब उन्हें आज़ादी मिल गई है बाहर जाने की, तो एक अलग अंदाज भी वो मिलना जुलना उन्होंने शुरू कर दिया है, और जाहिर है खाने पीने पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो ऐसे में कैसे वेट लॉस की बात की जाए, ज़रा बताइए इसके ऊपर, फिर मैं प्रश्न करूँगी आपसे। बहुत अच्छा आपने आज का टॉपिक चुना है नूतन जी, और बहुत रेलेवेंट है आज के समय में, जबकि आप कह रहे हैं और आप, मैं भी बल्कि एक पार्टी पे हो आया हूँ अभी तक, एक पिकनिक पे छोटी सी। सो नेचुरल है जितना मैंने उस दिन कंज्यूम किया, बिकॉज देर वॉज सो मच फूड अवेलेबल सरप्लस, और हमारी टेंडेंसी होती है, कंपनी होती है, एक दूसरे की एनकरेजमेंट होती है, और वो एनकरेजमेंट गलत दिशा में होती है कि खा लो ना भाई, एक दिन में क्या जाएगा, राइट? तो हमें 2 slices ऑफ पिज्जा मिले, एक समोसा भी मिल गया, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स की भरमार थी वहां, राइट? आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू वाटर, बट आई कुड सी दैट पीपल वर कंज्यूमिंग वन कैन ईच ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक, एंड देन कॉफी और टी वाज आल्सो सर्वड एंड एवरीथिंग। सो ऑन द होल आई वाज थिंकिंग दैट इट वाज अ डिजास्टर for a person like me who would be otherwise watching what he's eating and what he's not. Aur ek din ki puri ki puri jo diet hai wo 2 din ki diet bhi aap kahe to hum 1-2 ghante ki ek meeting ya picnic mein hi kharab kar jate hain, wo ek disaster hai. तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब क्या आप कम खाना खाते हैं, क्योंकि आपने कहा 2 slice पिज्जा, राइट? Is it too much? Yes, because it is not too much. It is the nutrients, जो भी आहार है हमारा diet है, उसमें nutrients प्रदान करते हैं खाद्य पदार्थ, और जो nutrients जो हमारी body को nutrition मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है वो बहुत matter करता है कि हम, हमारी सेहत आगे चल के क्या होने वाली है, हम किन problems के साथ का हमें मुकाबला करना पड़ सकता है जी। क्योंकि पिज्जा में क्या है, पिज्जा में है, एक तो पिज्जा बेस है और ऊपर से चीज की टॉपिंग है, राइट? स्वादिष्ट है जी। तो जो चीज है वो उसकी जो टेक्सचर है उसको वो चीजी बनाता है, उसको ग्रीजी बनाता है, जो हमारे मुंह में उसकी जो फीलिंग है, जितना भी ग्रीजी फूड है उसकी जो फीलिंग है उसको हम लाइक करते हैं, उसके हम एडिक्ट हैं। और ऊपर से उसके बेस पे है बहुत सारा रिफाइंड व्हीट फ्लावर, जिसे हम मैदा बोलते हैं, राइट? जो मैदा है दैट इज वेरी हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीन्स वो अंदर जाकर के बहुत जल्दी शुगर रिलीज करता है, चाहे वो फीका है लेकिन वो इतना रिफाइंड ग्रेन है, उसमें फाइबर नहीं है, इसीलिए वो फ्लफी होता है, जो ब्रेड की तरह वो थोड़ा बेक हो करके, तो वो दैट गिव्स अ वेरी, दैट हैज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दैट मींस दैट विल डिलीवर
the glucose in our blood very fast. Mm-hmm. And cheese has got a lot of calories. So it is calorie dense food, pizza. So when I say that there are two slices of pizza, then easily you can say that we are consuming many calories at once. Right? So average slice of cheese is around 250 calories. Right? So pizza mein aap keh sakte hain ke bade hi aaram se 250 to 400 calories mil jati hain ek slice mein hame. और अगर हम इन कैलोरीज को बर्न करने की बात करें तो एक मिनट की वॉक में हम 4.5 कैलोरीज बर्न करते हैं, 4 to 5 कैलोरीज. ठीक है. इसका मतलब एक स्लाइस ऑफ, वन स्लाइस ऑफ पिज्जा जो हमने कंज्यूम किया उसको बर्न करने के लिए हमें नियरली 40 मिनट्स की वॉक करनी पड़ेगी. माय गुडनेस, मुझे गिल्टी फील हो रहा है अभी आपकी बातों को सुन के. कल मैंने भी पिज्जे को डिनर के रूप में पिज्जा को ही खाया है और वॉक वॉक तो खैर नहीं करेंगे ये शाम को. एनीवेज आप कंटिन्यू करिए डॉक्टर साहब. सो 285 250 300 कैलोरीज का अगर 14 इंच का रेगुलर जो पिज्जा होता है उसका जो वन स्लाइस है वो 100 ग्राम के करीब का होता है. हाँ जी. उस 100 ग्राम में 280 कैलोरीज के करीब होते हैं डिपेंडिंग के उस पर चीज कितना डाला गया है. कम चीज है तो 250 कैलोरीज का होगा, ज्यादा चीज है तो 300-325 कैलोरीज का होगा. तो मैंने आपको बता दिया कितना मुश्किल है बर्न करना. आई नो, अब पर मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब कि अगर आपकी इच्छा है स्वादिष्ट इस तरह की चीजों को खाने की, पिज्जा ही क्यों दूसरी भी चीजें हैं आप खाएं, लेकिन साथ ही साथ एक्सरसाइज जरूर करें, क्यों है ना. जी जी, या फिर मॉडरेशन. मॉडरेशन जी हाँ, यानी कि आप पिज्जा खाना पाप नहीं है, बना है खाने के लिए, लेकिन उसको एंजॉय करें विद इन लेस अमाउंट एंड मोर फ्लेवर. द फ्लेवर इज ओनली इन द माउथ फॉर द टाइम व्हेन इट स्टेज इन द माउथ इज द फ्लेवर बीइंग एंजॉयड बाय यू. बट नाउ यू वांट टू पुट मोर कैलोरीज इनसाइड योर बॉडी बाय ईटिंग और गॉर्जिंग अपॉन पिज्जा, खाना खा करके के उसको मुंह में रख के एंजॉय करके उसका फ्लेवर लिया और कम क्वांटिटी में ही अपनी नियत को भरा, ना कि पेट को भरा. पेट को भरने के लिए आपके पास बहुत सारी और चीजें हैं. लेकिन आप पार्टी वार्टी में जाओगे, अगर पार्टियों में जाओगे तो फिर जैसे पार्टियां अब शुरू हो गई हैं तो ऐसे में आप जो रेगुलरली आप खाना खाते हैं वो तो जाहिर आप नहीं खाएंगे, दूसरी तरह की चीज़ें खाएंगे जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसके बावजूद आपको खाना ही पड़ता है, वही खाना खाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि तुरंत अब रात के 10 बजे तो आप वॉक करने नहीं जाओगे शायद. कल रात को मेरी वॉक जो थी नितिन जी, क्योंकि सारा दिन बीत गया था तो 11:30 पे शुरू हुई और 12:15 AM पे खत्म हुई. आपकी बात ही अलग है. सो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने टारगेट्स को पूरा करना है, जैसे प्रोफेशनल टारगेट्स, पर्सनल टारगेट्स हैं, वैसे फिटनेस टारगेट्स को भी पूरा करना चाहिए. जी. और हम अगर हम एक एप्पल रास्ते में जाते हुए पार्टी में पहुंचने से पहले एक एप्पल ड्राइव करते करते भी हम बड़े आराम से खा सकते हैं. जी जी. 100 ग्राम्स ऑफ एप्पल गिव्स यू ओनली 52 कैलोरी. 100 grams of pizza gives you 280 calories. My God. So now, और एक बर्गर में 300 है. जी जी. So अब हम कैसे अपने पेट को भरते हैं? कैलोरी डेंस फूड्स के साथ भरते हैं या लो कैलोरी फूड्स और हाई फाइबर फूड्स के साथ भरते हैं, इसका डिसीजन लेना बहुत जरूरी है. जी. Each and every time when we make a decision to eat something, that is an opportunity for us to decide whether we are feeding disease or fighting it. Heather Morgan ki bahut achhi ek quote hai jisko main hamesha quote karta hoon. Every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it. So I say it's an opportunity when you make a decision. Aap hamesha apne se ye poochiye ki ye fighter hai ki feeder hai.
फाइटर है कि फीडर है, ये मेरे मोटापे को, मेरे ओवरवेट प्रॉब्लम को फीड करेगा या फाइट करेगा। फाइट करने वाले वो फूड हैं जो लो कैलोरी है, हाई फाइबर है, हाई सेटाइटी वैल्यू है उनकी, वो हमें संतुष्ट करेंगे, हमारे पेट को भरेंगे। लेटस, लेटस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की सैलेड 1 कप जो है उसकी जो कैलोरीज है, आप समझ लीजिए कि यू नो इट इज वेरी लो कैलोरी इन कंपैरिजन टू द पिज्जा और बर्गर विच वी आर ईटिंग। ओनली 5 कैलोरीज आर कंटेन आर देयर इन 1 कप ऑफ श्रेडेड लेटर। ओनली 5 कैलोरीज 1 कप, राइट? इफ वी टॉक अबाउट 100 ग्राम, राइट, देन देर आर ओनली 15 कैलोरीज। Now you compare 15 calories of 100 grams of lettuce with 52 calories of apple with 280 calories of pizza. That is what I am saying. Every time you eat. जी, तो आपका कहने का मतलब है कि पार्टियों में जाए इंसान तो संभल कर खाए, कम खाए, और उस हिसाब से ठीक है। ये तो हर इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा, अलग अलग सोच होती है कि भाई पार्टियों में जा रहे हैं तो जम के ही खाएं, या पार्टियों में जा रहे हैं तो फिर ज़रा डिफरेंट टाइप का फूड खाएं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम खाते हैं उससे ज़रा अलग हो। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या क्या आदतें हैं, क्या हैबिट्स हैं जो इंसान को ओवर वेट बनाती हैं? बहुत अच्छे नितिन जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। शुक्रिया जनाब, बोलिए। जी जी जी, सबसे पहली जो कॉमन आदत मैंने देखी है, मैं अपने पेशेंट्स में बताता हूँ जब मैं काउंसलिंग करता हूँ जी, उनकी प्लेट का साइज क्या है, प्लेट जिसमें वो आमतौर पे घर पे खाते हैं। आमतौर पे वी ईट इन बिग प्लेट, बड़ी प्लेट साइज में खाते हैं, तो उस बड़ी प्लेट में ज्यादा खाना भी कम नजर आता है। तो अगर आपके घर में बड़ी प्लेट है, बिग प्लेट, आप उनको साइड पे रख दीजिए, वो वंस इन अ वाइल जब गेस्ट आते हैं उनको सर्व करने के लिए रखिए, लेकिन आप अपने लिए जो मीडियम साइज प्लेट है या छोटी प्लेट है वो ले आइए और रोज उसी में खाना खाइए, क्योंकि उसमें कम खाना भी ज्यादा नजर आएगा, बड़ी प्लेट में ज्यादा खाना भी कम नजर आएगा। सो रेगुलर जो पोर्शन साइज है आपका वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर अपनी प्लेट को आप साइज को चेंज करते हैं। जो दूसरी आदत है वो है नूतन जी, दैट वी ईट टू फास्ट। बहुत जल्दी खाना खाते हैं, नियरली हम अपने अंदर खाने को थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं अंदर, बिकॉज हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को नियरली 20 मिनट लगते हैं रिसीव अ मैसेज कि हमने खाना खाना शुरू कर दिया है। अच्छा, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा जो मेजर फूड इनटेक है, जो मेजर पोर्शन ऑफ कैलोरीज है, कैलोरी डेंस फूड्स की जो डाइट है, हमारा फूड इनटेक वो 5 to 7 मिनट्स में ही खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 10 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि दिमाग में अभी भूख है, पेट चाहे भर गया है, वेरी इंटरेस्टिंग, भरी नहीं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं कि दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ता है कि अब उसे खाना है, राइट, भोजन करना है। वो 20 मिनट उसे लगता है, और जब 20 मिनट के अंदर हम खाना खत्म कर देते हैं तो हमारी भूख वाली बात जो है वो अधूरी रह जाती है। जी, दिमाग से भूख मिटी नहीं, पेट भर गया, पेट में सारी कैलोरीज, रिच कैलोरीज चली गई और हम डिजर्ट तक पहुंच गए खाने के अंत में। और फिर एक डेजर्ट, चाहे वो एक बर्फी का पीस है, चाहे वो आइसक्रीम का स्कूप है जी, चाहे वो एक पुडिंग है, कितने कैलोरी रिच फूड्स हैं, वो इसीलिए हम खा जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा पेट भर गया है, क्योंकि दिमाग में ही भरा होता, दिमाग कहता है कि अभी और खाना है, अभी और खाना है, अभी और खाना है। तो बारी आ जाती है कैलोरी डेंस फूड्स की, जो कि डेजर्ट है जी। तो इसलिए आप सूप या सैलेड के साथ अपना खाना शुरू करें, और जब आप उसमें उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि सूप बहुत हॉट सर्व होता है जी, क्लियर सूप होता है, या फिर सैलेड को आपको बहुत च्यू करना पड़ता है, मैस्टिकेट करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, तो उसको, उससे आप
आपका एक तो टाइम बीतेगा और एक आपके अंदर मन में सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने चबा करके बहुत सारा खाना मेहनत करके खाना शुरू कर दिया है। ये तो ब्रेन को वो सिग्नल मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगी। बड़ी अच्छी बात कही आपने। अक्सर क्या होता है कि खाने के बाद लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, लेकिन कहीं पर मैं पढ़ रही थी एक रिसर्च हुआ था खाने के ऊपर कि मुझे बहुत शौक है, मैं रिसर्च करती रहती हूँ, तो उसमें था कि फ्रूट्स आप एंड में जो खाते हैं वो गलत है, आप शुरू में खा लें। जैसे कि सैलड आप शुरू में खाते हैं, वैसे फ्रूट्स को भी आप शुरू में खा लें भोजन से पहले, तो उससे क्या होता है कि आपका पेट भी भरता है और आप जितना खाना चाहते हो उससे आप कम खाओगे, तो इससे आपके हेल्थ पे बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये बात तो हुई खाने की, लेकिन आप चूंकि वेट लॉस कोच हैं तो बताइए, खाली खाने को ही रेस्ट्रिक्शन रूप में अगर हम करें, रेस्ट्रिक्टेड डाइट लें, उसी से वेट लॉस होगा या कुछ और भी करना है? देखिए, 80% जो रोल है नूतन जी वो न्यूट्रिशन का है जी हमारे वेट लॉस में, क्योंकि मैं तो रोज सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट की वेट लॉस जर्नी का हिस्सा बनता हूँ और उनके हेल्थ चैलेंजेस को भी साथ ही में हम ध्यान में रखते हुए उनकी वेट लॉस प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करते हैं जी। किसी को फैटी लिवर साथ में है, किसी को डायबिटीज डिटेक्ट हो गई है या डायबिटीज होने की कगार पे है, जिसे हम प्री डायबिटीज बोलते हैं जी, या किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक कंप्लीट एक होलिस्टिक हेल्थ जर्नी डिजाइन करना पड़ता है और हमें बहुत अच्छा लगता है डिजाइन करना कि हम हर एस्पेक्ट को टच करें जी। और हम एक वैल्यू एडिशन करें किसी की लाइफ में जी, कि वो होलिस्टिकली उसकी टोटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो और उसका वेट लॉस गोल भी अचीव हो और उसको पता भी ना लगे कि उसने वेट लॉस गोल अचीव भी कर लिया है। तो उसके लिए हमें एक ब्लेंड करना पड़ता है अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस को। जैसा कि मेरा बैकग्राउंड आयुर्वेद में है, तो आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स का वर्णन है जो कि हमें हर्ब्स जो हमें बहुत सारे गुणों से भरपूर हैं और उन गुणों को हम इस्तेमाल करते हुए आपके हेल्थ गोल्स को अचीव करने में कौन सी हर्ब आपके लिए सहायक है जी, वो हम डिसाइड करते हैं। सिनेमन में अपने गुण हैं, क्लव यानी कि लौंग में अपने गुण हैं, अदरक में अपने गुण हैं, जिसको एसिडिटी है, जिसको रिफ्लक्स है बिकॉज ऑफ ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट, पेट का साइज बड़ा है, उस वजह से हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज गर्ड, यानी कि वापस खाना मुंह में आता है खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है। अच्छा, उनको जिंजर बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, तो हमने उनकी डाइट में जिंजर को ऐड कर देना है, चाहे जिस भी फॉर्म में खाओ जिंजर खाओ जी। अब जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनको हमने फाइबर ऐड करना है, तो हमने उनको इसबगोल डाल देना है उनकी डाइट में, प्लांटेगो ओवाटा साइलियम हस्क, राइट। तो ऐसे करके कुछ होलिस्टिक एस्पेक्ट्स को हमें टच अपॉन करने में बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ भी अचीव होती है और वेट लॉस गोल भी अचीव होता है, और एक्सरसाइज भी इसी हिसाब से प्लान करते हैं। लाइक व्हाट? आपको वॉक करनी है, ठीक है, कई कई लोगों को वॉक करनी पसंद है, कई लोग वॉक में बोर हो जाते हैं, कई लोगों को डांस करना पसंद है, कई लोगों को योगा पसंद है। तो आपकी टेंडेंसी के मुताबिक जो चीज आप इंजॉय करते हैं, अगर वही एक्टिविटी आपको एडवाइस की जाएगी, कस्टमाइज किया जाएगा जी। बहुत लोग जोश में आकर के इन्फ्लुएंस होकर के कोई एक एक्टिविटी ज्वाइन कर लेते हैं, एक जिम की मेंबरशिप पूरे साल की भर देते हैं कि मैंने तो पूरा साल करना है, लेकिन वो दो हफ्ते के अंदर अंदर छोड़ जाते हैं बिकॉज वो उनके लिए नहीं बना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वेट लॉस जो है वो सस्टेनेबल रिजल्ट्स पाने के लिए हमें सस्टेनेबल एफर्ट भी डालना है। बिल्कुल सही। अब ये आपके कंसल्टेंट, आपके हेल्थ कोच की कैपेबिलिटी या एक्सपर्टीज है कि वो आपको अच्छे से इंटरव्यू करके आपके लिए एक सोल्यूशन डिजाइन करे कि आपके लिए कामयाब क्या होने वाला है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप कितने बिजी रहते हैं, आप कितना खाना पकाने की समय है आपके पास, कितनी डेडिकेशन है और कितना एक्सपेरिमेंटल है आप टेस्ट में,
आपके आपके लिए टेस्ट कितना अहमियत रखता है, आप अपनी आदतों को त्यागने के लिए कितने रेडी हैं और कितने नहीं हैं, ये सारी चीजों को ध्यान रखना जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल वेट लॉस प्रोटोकॉल और अ सक्सेसफुल वेट लॉस प्लान। तो 20% रोल सिर्फ एक्सरसाइज का है। अच्छा, तो आप अपना क्वालिटी टाइम अपनी लाइफ का निकाल करके एक्सरसाइज में डाल रहे हैं, आप तैयार होके जिम जा रहे हैं, 1 घंटा आप जिम को दे रहे हैं अपनी लाइफ में से निकाल करके, क्या वो आपको फायदा भी करने वाला है? क्या वो आपके लिए बना भी है? क्या वो 20% सिर्फ जो उसने कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है आपके वेट लॉस में, क्या वो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं और आप जो कर रहे हैं उसे फायदा है कि नहीं। साथ ही साथ ये भी बात है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप इंजॉय करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, खाने की भोजन की बात कही और आपने वेट लॉस के तहत एक्सरसाइज का जिक्र किया। अपनी तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को कुछ और आप कहना चाहेंगे? एक तो खाने का कि भाई आप कम कम खाना खाएं और बड़े प्लेट के अलावा छोटे प्लेट में खाना लें। दूसरी बात ये कि आप वॉक करने में अगर आप इंजॉय करते हैं तो आप वॉक करें या जो भी करना चाहें। तो कुछ और भी एक्सरसाइज की बात अगर आप कहना चाहें वेट लॉस के तहत तो प्लीज डॉक्टर साहब जरूर शेयर करें हमारे तमाम सुनने वालों से। जी, आदतों की जब बात आती है तो आप कहते हैं आमतौर पे आई हैव नो टाइम टू एक्सरसाइज, ये आदत है, ये एक टेंडेंसी है कि मुझे टाइम नहीं है। तो आप मजबूरन अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, कल वी वेंट फॉर ग्रोसरी एंड आई deliberately parked my car at the other end of the plaza ताकि वॉक कर सके। जी जी, मजबूरन। जी 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 जी, राइट जी। सो आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंकल्केट करने के लिए मौके ढूंढिए कि आपको चलने का मौका मिले। बहुत अच्छी बात कही आपने। लोग वॉक करने जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, पार्क करते हैं और वॉक करने लगते हैं। मैं कहती हूँ अगर वॉक करने के मकसद से जा रहे हो तो गाड़ी लेके क्यों जा रहे हो? यहाँ तो हर जगह कहीं ना कहीं पार्क है और खुली खुली सड़कें हैं, खुली जगह है, आप पैदल ही क्यों ना जाते हैं? तो उससे क्या होता है कि आप ज्यादा चल सकते हैं, ज्यादा आप समय बिता सकते हैं, प्रकृति को देखो, खूबसूरती को निहारो। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जाते जाते आप कुछ और मैसेज देना चाहेंगे तमाम सुनने वालों को डॉक्टर साहब? जी, जाते जाते यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमें आदतों के ऊपर ध्यान देना है, हमें अपनी आदतों को बदलना है और हर एक आदत को बनने के लिए मिनिमम 3 हफ्ते लगते हैं। 3 हफ्ते तो आप कम से कम 1 महीने के लिए रिजॉल्व कर लें कि आपने आने वाले 1 महीने में अपनी कौन कौन सी आदतें बदलनी हैं। अपनी आदतों को नोट कर लें, कौन सी आप बदलना चाहेंगे, कौन सी गलत हैं। आप चीनी वाली चाय पीते हैं, आप चीनी वाली कॉफी पीते हैं, आप मिठाई के आदि हैं, तो इन आदतों को नोट करके उन आदतों के ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढें कि कौन सी ट्रिगर है जो आपको मजबूर करती है, इस सिचुएशन में लाती है कि आप वो चीज को हाथ डालते हैं या आप उसको इंडल्ज करते हैं। जी, उन ट्रिगर पॉइंट्स को, सबको ट्रिगरिंग एनवायरनमेंट को अलग कर दीजिए अपने आप से। अपने फ्रिज में मत रहने दीजिए आइसक्रीम, अगर होगी नहीं घर पे तो आप खाएंगे भी नहीं, राइट? सो ऐसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करें जो कि आपको प्रो हेल्थ हो और एंटी डिजीज हो। जी, तो आप निश्चित रूप में, और मैं कहता हूं आदत और कौन सी बुरी है, ड्रिंकिंग विदाउट थिंकिंग, मैंने ऐसे जुमले बना रखे हैं, राइट? ड्रिंकिंग विदाउट थिंकिंग, आप बिना सोचे समझे अपनी कैलोरीज को ड्रिंक करते हैं। जी, आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आप सोचते नहीं है कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, और फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जाहिर है वो चर्बी बन के पेट पे के आसपास ही जमा होना है। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। आप इतनी मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाल करके तमाम सुनने वालों से आपने ये सारी बातें शेयर की हैं। बहुत अच्छा लगा आपका, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अगले महीने में एक नई टॉपिक पे फिर आपसे बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच नूतन जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर संदीप जसल, टेक केयर। अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में।